नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा और जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रभारी निरीक्षक को सौंपा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और उनके ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और 1 सितंबर को मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते अभी तक मुकेश बोरा और उनके ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और कहा कि धामी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। साथ ही लालकुआ कोतवाली का घेराव करते हुए नारेबाजी कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने इस मामले पर तत्काल कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन भी भेजा। जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और जिस तरीके से आप एक भूमि की बात देख रहे हैं, आज हमारी देवभूमि में हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और हम यही मांग लेकर के यहाँ पर बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और अगर उसको गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम महिला कांग्रेस महिला आंदोलन करने के लिए बात होंगे। धामी सरकार को, भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूँ, आप पूरी महिलाएं इतनी आक्रोशित है जो की आज थाने का घिराव करके यहाँ पर उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि इसके मुकेश बोरा की, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े पद में बैठ के और ऐसी कार्रवाई करता है तो बेटियों के साथ ऐसी गलत करता है और यहाँ तक कि उसकी बेटी है, बेटी को भी नहीं छोड़ा उसने, उस पर भी छेड़खानी का आरोप है उसका। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इस पर अंकुश लगाएं, कार्रवाई करें और इनको सलाखों के पीछे डालें। और आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।